जो विश्व के विधाता हैं, जगदीश्वर हैं, संसार में वो कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन आप सोचकर देखो कि ब्रज भूमि में, वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में ही वो क्यों गए? कुछ तो रहस्य होगा इसके विशेष। जाने को वो कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी स्थान का चयन किया, क्योंकि बुलाने वाले का भाव भी तो बहुत निर्भर करता है इस भावना पर कि आप किस भाव से बुला रहे हैं। मीराबाई ने एक ही बात है, कोई इससे पूछता कि भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं, तो मीराबाई कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये जो शब्द है ना, बहुत गहराई तक समझने वाला है। दूसरों ना कोई, हमें और आपको भी कोई दूसरा नजर आ रहा है संसार में। हम कहते हैं कि हम आ तो गए भगवान आपके पास, लेकिन क्या करें, गृहस्थी है ना, ऐसा बोलते हैं हम, गृहस्थी है ना। हम जो भी बोल रहे हैं ना, ये अपने आप को बहाना दे रहे हैं। जो भी आप बने हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी कार्य को करने के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा, उसमें रह करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। चाहे कोई गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, और हमारे ठाकुर जी तो गृहस्थियों के यहाँ ही प्रकट हुए। श्री रामचरितमानस में गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने तो उन प्रभु को पाने के लिए ब्राह्मण होना स्वीकार किया, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय था। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जानते हुए कि भगवान शायद ब्राह्मणों को मिलते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप अपनाया कि मैं भी ब्राह्मण हो जाऊं। लेकिन जब वही राम राजा दशरथ जी के यहाँ पर जन्म लेते हैं, रघुकुल नंदन कहलाते हैं, वो जब प्रकट हुए राम राजा दशरथ जी के यहाँ, तब विश्वामित्र जी इसी ही बात को दोहराते हुए कहते हैं कि हम तो इसलिए ब्राह्मण हुए कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन ये तो क्षत्रिय के घर में ही उत्पन्न हुए, पर तो मैं क्षत्रिय ही ठीक था। तो भगवान क्षत्रिय के घर, ब्राह्मण के घर, वैश्य के घर या शूद्र के घर जन्म नहीं लेते, भगवान तो भक्त के भाव से जन्म लेते हैं। वो अगम अगोचर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनको कोई प्राप्त नहीं कर पाया, और वही बाल स्वरूप धारण करके ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए पहुंच जाते हैं, ये इतना भी आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है, संभव है सब कुछ। आप ही हैं जो भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध करके अपने निकट बिठा सकते हैं। ऐसा भाव प्रकट कीजिए हृदय से कि भगवान स्वयं चल करके आपके पास आना चाहे कि मुझे इसके साथ बैठना है। देखिए, भक्ति मार्ग में हम चलते हैं, हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग तब सफल है जब भक्त चल करके भगवान तक पहुंच जाए। ठीक है, वो अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा तब हो जाती है कि भक्त तो बैठा है आराम से अपनी कुटिया में, और भगवान चल करके पहुंचते हैं उस भक्त के पास कि मुझे तेरे पास आना है, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं तेरे पास आऊं। बहुत सी कथाएं हैं हमारे यहाँ पर, वर्णन है बहुत, किसी भी भाव को पकड़ लीजिए। एक भक्त का नाम आता है जिसका नाम है पुंडलीक।